हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के फेवरेट यूट्यूब चैनल और इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2023 की। जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती जब इसका नोटिफिकेशन आया था तो इसके अंदर आपकी दो तीन पोस्ट थी, जैसे आपका बूचर हो गया, आपका इसके अंदर खोजी हो गया, इसके अंदर इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, ये सारी वैकेंसी इसके अंदर थी। पर दोस्तों, क्या कारण हुआ क्या नहीं हुआ वो चीज मैं आपको बताऊं। तो दोस्तों, इसके अंदर बता दूं, जो आपकी ये बूचर हो गया, ये आपका इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, तो इनकी वैकेंसी अलग से आएगी। तो वो चीज छोड़ो, आपकी जो आज हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती रिजल्ट आने के बाद में। जैसा कि आप सबको पता है, सबसे पहले इसके अंदर एग्जाम्स होने थे, उसके बाद में आपके यहाँ पर आपके जो आपके फिजिकल्स है वो होने वाले थे। पर पहले इसमें आपके फिजिकल्स कंडक्ट करवाएगी, इसके बाद में आपकी एग्जाम्स हुई, और अभी जो आपका होने वाला है वो होने वाला है डीवी डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से तैयार करवाने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन, डीवी में क्या क्या चाहिए, डीवी में क्या क्या चाहिए वो भी मैं आपका एक सवाल लिख लेता हूँ। बात करता हूँ डीवी में क्या क्या चाहिए। सबसे पहले बात ये आती है, क्योंकि यदि आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में फेल हो जाओगे तो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, इससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये हमारे हाथ में रहता है और इसमें आपको पास होना ही पड़ता है। बात करते हैं मेरे दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की। उससे पहले देखो, आपके यहाँ पर सवाल कौन कौन से, मेडिकल का एडमिट कार्ड कब तक आएगा, फाइनल कट ऑफ में कितना बढ़ेगा, एनएसक्यूएफ का क्या करना है, ट्रेड टेस्ट किसका होगा किसका नहीं होगा, सेकंड लिस्ट कब तक आएगी, और डीवी में क्या क्या चाहिए, वो चीज मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। क्योंकि इस वैकेंसी का दो बार मैंने एग्जाम्स क्वालिफाई किया है, एक बार मेडिकल पेपर की वजह से और एक बार फाइनल कट ऑफ की वजह से बाहर हुआ है। बात करते हैं डीवी के अंदर, देखो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेशन मैंने इसके अंदर चार बार करा लिया, क्योंकि एक बार जो कोरोना काल से पहले भर्ती थी उसके अंदर मैंने डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेशन कराए थे। पर क्या है कि दोस्तों, उस वक्त आप में पढ़ाई की कमजोरी की वजह से और कुछ बीमारी से एग्जाम से नहीं दे पाया था, इस कारण से छोड़ो दोस्तों, उसकी बात छोड़ो, उसमें जो हो गया सो हो गया। बात करते हैं डीवी में, सबसे पहले तो आपकी टेंथ की मार्कशीट आपको चाहिए। इसके अलावा जिसने बारहवीं की लगाई है उसको बारहवीं की मार्कशीट चाहिए। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र। अब मैं बता दूं आपको, जाति प्रमाण पत्र कौन सा चाहिए, वो चाहिए सेंटर का। कौन सा चाहिए, सेंटर का, आपके पास आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और कब का जारी हुआ होना चाहिए, वो होना चाहिए फॉर्म भरने से पहले का और एक फॉर्म भरने के बाद का, ये जाति प्रमाण पत्र आपको चाहिए। इसके अलावा आपको यहाँ पर क्या चाहिए, मूल निवास चाहिए, जिसको हम बोलते हैं डोमिसाइल, या कहीं बोलते हैं इसको निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या चाहिए, जो भी मेरे दोस्त पास हुए हैं उनको बोलना चाहता हूँ, आपको 10वीं 12वीं जाति मूल। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसके बाद में आपको यहाँ बता दूं, अब मैं बताऊं एक चीज ध्यान रखना, इसमें और एक बता रहा हूं, आपने जो फॉर्म भरा है इसकी पीडीएफ चाहिए। आप फॉर्म की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आपकी जो अपनी आईडी थी उसको लॉगिन करो, वहां पर आपको प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन मिलेगा, उसको कंट्रोल प्लस पी दबा के उसको प्रिंट करो, वैसे आप यहाँ पर निकाल सकते हो। इनमें आपका इस अब 1 2 3 4 5 6 इन 6 डॉक्यूमेंट्स में ध्यान रखना, आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम और डीओबी, ये तीनों चीज सेम होना चाहिए। यदि ये इन्हीं किसी भी एक डॉक्यूमेंट में डीओबी, माताजी का नाम, पिताजी का नाम, आपका नाम है इधर का उधर है, यदि बी भी इधर का उधर है, सी है, डी है, कोई भी एक अक्षर इधर का उधर है, तो आप इसमें फेल हो जाओगे, आपको डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेशन से बाहर कर दिया जाएगा। आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स फेल हो जाओगे और आप उसके बाद कुछ नहीं कर सकते, कोई आपके पास सॉल्यूशन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बाय ट्रेड्समैन के जो एग्जाम्स जो आपके आते हैं ना, वो बड़े आपके कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, और कमांडिंग ऑफिसर किसी बाप की नहीं सुनता, क्योंकि उनके पास फुल पावर रहता है, और रिक्रूटमेंट ऑफिसर होता है एक तरह से। और जो सिविल ड्रेस में दो बंदे आपको ध्यान रखना, वो वहां पर फिरते रहते हैं हमेशा, वो आपके बीएसएफ के इंटेलिजेंस के आदमी होते हैं, तो उनके पास ही फुल पावर रहता है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते उनका। तो ये चीज अपने दिमाग में रखो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपको लेकर जाने। इसके अलावा आपने जो एग्जाम दिया था वो एडमिट कार्ड, एग्जाम वाला एडमिट कार्ड, क्या एग्जाम वाला एडमिट कार्ड जिसपे मोहर लगा के आपको दिए। उसके अलावा आपने जो फिजिकल पास किया था वो आपके पास होना चाहिए, ये सारे देखो जो बता रहा हूं वो होना चाहिए। इसके अलावा आपको यहाँ पर माताजी, पिता, भाई, बहन, यदि आप विवाहित हो तो पत्नी, और यदि आपके लड़का है या लड़की है जो भी है उसका, इन सब का आपका नाम, इन सब का क्या नाम जो इनके आधार कार्ड में, और इनका आपके डीओबी जो इनके आधार कार्ड में, ये सारे आपके पास प्रूफ होने चाहिए,
आपको यहाँ पर लिखाए जाएंगे, जब भी आप डिग्री पास करोगे, मेडिकल पास करोगे, आपके कम से कम 4 पेज का एक फॉर्म दिया जाएगा, उसमें आपको सारी अपनी बेसिक डाटा देना होगा, जिसका आप यहाँ पर सारे गार्जियंस जो अपने कहीं ना कहीं सर्विस लगने के बाद मेडिकल में आप लाभ उठाना चाहते हो, कहीं ना कहीं सर्विस लगने के बाद कैंटीन कार्ड का लाभ उठाना चाहते हो, अपना नॉमिनी जिसको बनाना चाहते हो, वो सारा सब कुछ आपको डाटा मेडिकल के टाइम भी आपसे मांग लेते। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करवा लेने, ये आपके लिए कोई भी वीडियो प्रोवाइड नहीं कराया होगा दोस्तों, आपका भाई आपको प्रोवाइड करा था। एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो जरूर बनता है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं कुछ आपके लिए और बेहतर करने की कोशिश कर सकूं। एक सवाल का जवाब हो गया, अब बात करते हैं दूसरे सवाल का। देखो दूसरा सवाल है सेकंड लिस्ट कब तक आएगी, इसका मैं आपको बताऊंगा। ट्रेड टेस्ट किसका होगा, देखो ट्रेड टेस्ट में बात करूं कुक, वाटर कैरियर और आपका यहाँ पर जो एक ट्रेड थी आपकी यहाँ पर वेटर, इन तीन का आपका कोई ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। तो ये दिमाग से निकाल दो कि इनमें आपका ट्रेड टेस्ट होगा, इनका आपका डीबी होगा और आपका यहाँ पर होगा जो होगा आपका जो मेडिकल होगा, वो आपका दो चीज होने वाला है। तो ट्रेड टेस्ट आपका इनका नहीं होगा, बाकी सारे ट्रेड का ट्रेड टेस्ट होगा। एक्सपीरियंस किसी ट्रेड में नहीं चाहिए, एनएसक्यूएफ चाहिए कुक, वाटर कैरियर और वेटर के अंदर। अब एनएसक्यूएफ का क्या मामला है, अभी आप एनएसक्यूएफ बनाकर जाओगे आप फेल हो जाओगे। यदि आपने एनएसक्यूएफ अपलोड किया है तो वही एनएसक्यूएफ आपको लेकर जाना है, आपको बेनिफिट होगा, ये चीज अपने दिमाग में रखो। आपको बेनिफिट तभी होगा जब आपको वही एनएसक्यूएफ आपको लेकर जाना है, ठीक है दोस्तों, ये चीज अपने दिमाग में रखना। बात करते हैं यहाँ पर एनएसक्यूएफ, अब बनाने से कोई फायदा नहीं है। आप ये सोच रहे हो मैं अब बनाकर ले जाऊंगा, कोई फायदा नहीं है। कमांडिंग ऑफिसर जो आपने फॉर्म भरा है, जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया, उनके पास पूरा का पूरा प्रिंट होगा, कम से कम 3 से 4 पेज का वो प्रिंट होगा, उसके अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, सारे आपकी डाटा होगा, सारा बेसिक जानकारी होगा, तो वो आपको वहां पर देनी होगी, वो आपके सामने रखेंगे और बोलेगा ये डॉक्यूमेंट्स मेरे को दे, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको उपलब्ध कराना होगा। और कहीं भी आपने उसमें कहीं इधर का उधर किया, आपको तुरंत रिजेक्ट किया जाएगा। और जो एक्सपीरियंस के बदलते बातें देखने जा रहे हैं, वो एक बार आप जरूर देखकर देख रहे हैं दोस्तों, जो मेरी बात को नहीं मानते वो अपने दिमाग में जरूर रख लेना। बात करेंगे फाइनल कट ऑफ की, देखो कुक, वाटर केयर, वेटर, इनमें जो भी बंदा पास है उसके पास एनएसक्यूएफ है, वो अपनी जॉब 100% समझो। यदि उसने डीवी और मेडिकल क्वालिफाई कर लिया तो इसमें आपके कुक, वेटर और आपका वेटर में कोई भी आपकी एक पोस्ट, आपकी एक भी नंबर इसमें जो बढ़ने वाला है नहीं। बाकी सफाई कर्मचारी बार हो गया, अच्छी खासी नंबर बढ़ेंगे, सफाई कर्मचारी भी अच्छे खासे यहाँ पर नंबर बढ़ेंगे, ये चीज अपने दिमाग में रखना दोस्तों, ठीक है। बात करें एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड आज आ जाएगा या फिर आपके यहाँ पर जो 2 दिन बाद, आपको यहाँ बता दूं लगभग लगभग बात करूं तो जो आपका यहाँ पर स्पेशल लोग, आपका यहाँ पर 13 तारीख तक एडमिट कार्ड आने के पूरी पूरी संभावना, मतलब आपका कल या परसों तक आपका एडमिट कार्ड जो 100% आ जाएगा। हो सकता है मैं वीडियो बना रहा हूं तभी आपका एडमिट कार्ड आ जाए, फिर भी मैं ये वीडियो अपलोड जरूर करूंगा, क्योंकि आपकी सवाल से आपका सवाल से, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट्स वाले वीडियो ये सारे अपडेट है। सेकंड लिस्ट की बात करूं तो सेकंड लिस्ट इसके अंदर नहीं आएगी, सॉरी फॉर दोस्तों, सेकंड लिस्ट इसके अंदर नहीं आएगी, ये अपने दिमाग में रखो, सेकंड लिस्ट इसके अंदर नहीं आती। जो भी हो, ट्रेड्समैन की हो, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, SMT वर्कशॉप हो, इसके अलावा वाटरविंग की भर्ती हो, इसके अलावा आपका प्रिंटिंग प्रेस वाली भर्ती हो, इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन हेड मास्टर में टेलीकम्युनिकेशन हो, RORM हो, जो BSF डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अपने थ्रू करती है, जो SSC को छोड़कर जो डायरेक्ट अपने थ्रू करती है, उसमें कोई सेकंड लिस्ट नहीं आती, किसी प्रकार की वेटिंग लिस्ट नहीं आती। जो आपको पागल बनाने का काम कर रहे हैं उनको बोल दो अभी कोई सेकंड लिस्ट नहीं आएगी, ये चीज अपने दिमाग में रख लो। ये आपका भाई आपको बोल रहा है, आपके लिए भले के लिए बोल रहा है, जो आपको गलत फॉर्म में बोल रहे हैं उनको बोल दो सेकंड लिस्ट नहीं आएगी। हाँ, नई भर्ती आएगी या नहीं आएगी वो डिटेल से एक वीडियो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर नई भर्ती की तैयारी कर लेना दोस्तों, सेकंड लिस्ट के भरोसे मत रहना। मैं गारंटी से लिख कर दे सकता हूं स्टाम्प के ऊपर, BSF ट्रेड्समैन की कोई भी सेकंड लिस्ट नहीं आएगी, क्योंकि इसमें मैंने आपको तो 4-4 बार इसमें क्वालिफाई किया है, पर इसकी सेकंड लिस्ट आज तक तो आई नहीं, ना कभी आती है यार। सेकंड लिस्ट वैकेंसी खाली रहते थे, आपकी 2100 वैकेंसी में 2 वैकेंसी खाली रहते, 1100 पोस्ट भरे, पर वैकेंसी सेकंड लिस्ट कभी नहीं आएगी, अपने दिमाग में रख लो दोस्तों। तो BSF ट्रेड्समैन की जो भी कोई अपडेट होगी आगे की भर्ती की जाने में, वो आपका भाई आपको अपडेट दे देगा। और जो गलत आपको फॉर्म में रख रहा है, जो यूट्यूबर ये बोल रहा है सेकंड लिस्ट आएगी, उनको आज अनसब्सक्राइब मारो और बोलो चल यार, क्यों यार दुनिया को पागल बना रहे हो, सेकंड लिस्ट आएगी नहीं, जब आपको खुद को नहीं पता तो क्यों आप यूट्यूब के ऊपर उतरे हो। तो दोस्तों बता दो सेकंड लिस्ट नहीं आएगी, ये अपने दिमाग में रख लो, बाकी आपका भाई आपको अपडेट करता रहेगा, लेटेस्ट जानकारी उपलब्ध कराता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।